हेलो एवरीवन वेलकम टू जैक एंड जैकैडमी द इनफिनिट नॉलेज हब प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर इट इफ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स नमस्कार मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पार्ट बारह बस नीचे बाग के नीचे बाघ के पाठ्य पुस्तक के कुछ अभ्यास प्रश्न उत्तर ठीक है इससे पहले वाली कक्षा में हमने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा था और फिर हमने इसके पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न उत्तर किए और आज हम पढ़ेंगे कुछ अन्य प्रश्न जो कि आपकी कहानी को पढ़कर बीच में से लिए गए जिसमें हम शब्दार्थ करेंगे और सही वाक्यों पर चिन्ह लगाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और कुछ जो चो, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है उनको भी करने का प्रयास करेंगे तो अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो आप सबको अभी क्या देना है जल्दी जल्दी उत्तर देना है ठीक है ये प्रश्न अन्य प्रश्न इसलिए होते हैं कि आपकी पूरी कहानी का एक बार क्या हो जाए दोहरान हो जाए तो पहला प्रश्न क्या है दिए गए शब्दों का अर्थ बताइए क्या बताना है हमें शब्दों का अर्थ बताना है तो पहला शब्द क्या है यहां पर भीतर भीतर मतलब क्या होता है अंदर भीतर मतलब क्या होगा अंदर उसके बाद है अजीब अजीब मतलब क्या था विचित्र या फिर अनोखा अजीब का मतलब क्या होगा विचित्र या अनोखा लिख सकते हैं दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो विचित्र मतलब नहीं अजीब मतलब विचित्र अनोखा फिर है दुबकना शेर का बच्चा जब डर गया था तो वो कहाँ जाकर दुबक दुबका बस का जो पहिया होता है उसके पास जाकर छुप गया दुब गया मतलब दुबकना मतलब छुप जाना छुप जाना उसके बाद है तेजी से तेजी से मतलब जल्दी से तेजी से जल्दी से क्या लिख सकते हैं हम जल्दी से तेजी से जल्दी से बोलिए आप भी तेज़ी से जल्दी से उसके बाद है घबराया बाघ का बच्चा उन लोगों को देखकर क्या हो गया घबरा गया यानी कि डर गया घबराया डर गया घबराया डर गया फिर है चीज़ चीज़ मतलब हो सकती है कोई भी वस्तु वस्तु क्या लिख देंगे हम वस्तु उसके बाद है दरवाजा क्या है यहाँ पर शब्द दरवाजा तो दरवाजे को हम बोल सकते हैं द्वार या फिर फाटक क्या बोलेंगे द्वार या फिर फाटक तो ये यह यहाँ पर शब्दों के हमने अर्थ लिख दिए हैं अगला प्रश्न करते हैं सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए ठीक है तो इसमें हमें क्या करना है पहले वाक्य पढ़ना है फिर उसमें हमारे पास दो शब्द होंगे जो शब्द सही होगा उसमें हमें क्या लगाना है सही का चिन्ह लगाना है तो पहला प्रश्न क्या है बाघ खेलते खेलते कहाँ निकल गया था कहानी हम सबने पढ़ी है ना आपने भी पढ़ी है तो बाघ खेलते खेलते कहाँ निकल गया घर पर चला गया था वो अपने या सड़क पर गया था कहाँ गया था सड़क पर चला गया था कहाँ चला गया था सड़क पर उसके बाद है सड़क पर क्या खड़ी थी जब बाघ सड़क पर निकला तो उसने सड़क पर क्या खड़े देखा वहाँ पर बस खड़ी थी या ट्रक खड़ी थी हाँ तो क्या खड़ी थी बस खड़ी थी अगला प्रश्न है बस के भीतर आगे की तरफ से कैसी आवाज आ रही थी जैसे जब बाघ बस के अंदर देखता है तो उसको अंदर से कैसी आवाज आ रही थी घर घर की आवाज आ रही थी या बम बम की आवाज आ रही थी कैसी आवाज आ रही थी घर घर की जो किस की किसकी थी इंजन की थी ठीक है अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ये जो स्थान है ये क्या है रिक्त है यानी कि खाली है यहां पर हमें एक शब्द लिखकर इस स्थान को क्या करना है बढ़ना है तो वाक्य क्या है बाघ ने देखा कि आदमी के सामने एक सी है क्या है आदमी के सामने एक दीवार क्या है दीवार सी है जो कि दीवार नहीं थी वो क्या था शीशा था बाघ ने अपना सिर तरफ मोड़ा किसकी तरफ मोड़ा बाघ ने पहले तो आगे देखा फिर अब अप बाघ ने अपना सिर किसकी तरफ मोड़ा दाहिनी तरफ दाहिनी तरफ मोड़ा उसके बाद है आगे वाली सीट पर आगे वाली सीट पर दो कौन बैठी थी छोटी लड़कियां कौन बैठी थी दो छोटी लड़कियां बैठी थी कौन बैठी थी लड़कियां अगला प्रश्न प्रश्न है छोटे बाग को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं लोग उससे क्या कर लग रहे हैं कर रहे हैं डर रहे हैं लोगों को भागता देखकर छोटा बाग कुछ घबरा गया क्या कर गया घबरा गया ठीक है वो भी घबरा गया था और फिर वो भी खुद जाकर बस कर बस के नीचे जाकर बैठ गया था ठीक है अगला प्रश्न करते हैं सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं जिनको हम पढ़ेंगे अगर ये वाक्य सत्य है सही है तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे अगर गलत है तो हम गलत का चिन्ह लगाएंगे तो पहला क्या है किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था हमने पहली ही लाइन में ये पढ़ा कि किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था और वो खेलते खेलते कहाँ चला गया जंगल की पास वाली सड़क पर चला गया तो ये वाक्य क्या है सही है तो हमने यहाँ लगाया है सही का चिन्ह अगला प्रश्न है बाघ खेलते खेलते कुएं के पास चला गया ऐसा हुआ था क्या कहानी में कि बाघ खेलता खेलता कुएं के पास पहुंच गया नहीं बाघ खेलता खेलता आगे जो जंगल के पास वाली जो सड़क थी वहां पहुंचा था है ना और वहां पर बस खड़ी थी बाघ को देख लोग उससे डरने लगे हाँ तो बाघ को देख सारे लोग उससे डरने लगे बाघ की आगे वाली सीट पर दो लड़के बैठे बस के आगे वाली सीट पर दो लड़के बैठे थे जब बाघ बस के अंदर गया तो उसने क्या देखा कि आगे वाली सीट पर कौन बैठी थी दो छोटी लड़कियां बैठी थी ना कि लड़के बैठे थे तो बस के आगे वाली सीट पर कौन बैठी बैठी थी थी दो छोटी लड़कियां तो इसलिए ये वाक्य गलत है लड़के नहीं बैठे थे लोगों को भागता देखकर बाघ बस के नीचे घुस गया हाँ क्योंकि बाघ खुद घबरा गया था तो इसलिए उसको खुद को थोड़ा सा डर लगा तो वो खुद बस के नीचे जाकर बैठ गया लेकिन कुछ देर बाद जब उसको अच्छा नहीं लगा तो वो फिर से बस के नीचे से बाहर आया और फिर बस के अंदर घुसा ठीक है तो आज के लिए इतना ही ये जो कुछ अन्य प्रश्न हमने किए हैं आपको भी पढ़ने हैं ठीक है, और इनका प्रयास करना है धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो फॉलोअुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड लिंक यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड जिल अकेडमी From Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level, competitive exams like NTSE, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defence, and many more.